हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट के पास स्वागत है। दोस्तों, आज की इसमें बात करने वाले हैं एडमिशन पेमेंट के बारे में। जैसा कि यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 23-27 के लिए जो है एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। कई सारे कॉलेजों में जो है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, यूनिवर्सिटी ने अप्रूव कर दिया है और कई सारे कॉलेजों में जो है कॉलेज भी अप्रूव कर दिया है और वहाँ पे जो एडमिशन पेमेंट चालू हो गया है। तो एडमिशन पेमेंट जो है वो कहाँ से करना है, यानी कि कॉलेज में जमा होगा या ऑनलाइन करना है, कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या है, ये सारा चीज इसमें हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे जो है आपको एडमिशन पेमेंट करना है। दोस्तों, एडमिशन पेमेंट जो है वो ऑनलाइन होगा, चाहे एसकेएमयू के अंदर कोई भी कॉलेज हो, मॉडल कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, सारे कॉलेजों का जो है एडमिशन पेमेंट वो ऑनलाइन ही होता है और चांसलर पोर्टल के थ्रू होता है। तो आप लोग को जो है बता दें कि जैसे कि आपने चांसलर पोर्टल से ही एडमिशन आपने लिया हो, एडमिशन अप्लाई किया होगा एडमिशन के लिए, तो एडमिशन पेमेंट फर्स्ट एडमिशन पेमेंट यहीं से होगा। उसके बाद जो जितना भी होगा वो सारा कॉलेज द्वारा होता है। तो पहला जो एडमिशन पेमेंट यहीं से होता है, तो आप यहाँ पे आप लोग को दिखाएंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल न्यू या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो की तरफ से जो अपडेट आती है उससे पहले आपको मिल सके। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा ग्रेजुएशन जो है आपका वो काफी हेल्पफुल होगा, तो आपको उसको मस्ट ज्वाइन कर लेना, अपने फ्रेंड्स को भी उसमें ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले आपको चांसलर पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। झारखंड यूनिवर्सिटी .nic.in इसका URL है। आप जाएंगे तो इस तरह से लॉगिन पेज आपके सामने आएगा। आपने जब अप्लाई किया था तो आप उस टाइम में आपको एक आईडी क्रिएट करना के करने हो पड़ी थी, जो कि मैंने वीडियो में बताया हुआ था कैसे क्रिएट करना है। तो वो आईडी पासवर्ड जो है आपका यहाँ पे काम आने वाला, मैंने भी कहा भी था कि आपको आईडी पासवर्ड जो है अच्छे से आपको सेव करके रखना है, कहीं भी जो है नोट करके रखना है। तो वही आईडी पासवर्ड से यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप इनकेस आप अगर भूल गए हैं अपना आईडी पासवर्ड, यहाँ पे एक ऑप्शन है जिससे कि आप रिकवर कर सकते हैं, और उसमें जो है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है चालू होना चाहिए। फॉरवर्ड करने के लिए यूजर नाम अगर फॉरवर्ड करना है तो यहाँ पे यूजर नाम का ऑप्शन है। अगर पासवर्ड फॉरवर्ड करना है तो पासवर्ड का यहाँ पे फॉरवर्ड का ऑप्शन है। अगर आपको ये कन्फ्यूजन है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में फोन करेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि फॉरवर्ड करने का पूरा प्रोसेस उसमें बताऊंगा। तो लॉगिन करने के लिए यूजर नाम, पासवर्ड और ये कैप्चा डालेंगे और लॉगिन हियर पे क्लिक करेंगे, आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा। जैसे आपका आईडी लॉगिन होगा तो इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे कि पहले आप एडमिशन अप्लाई करने टाइम करते थे तो उस टाइम आता था, उसी तरह से इससे से डैशबोर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपको साइड में ऑप्शन देखना है, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो थ्री डॉट आएगा, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा। तो पहले आपको जो है देखना पड़ेगा कि आपका जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी अप्रूव हुआ या नहीं हुआ है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आपको जो है स्टेटस चेक करना, फिर भी मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को स्टेटस चेक करने के लिए थोड़ा सा बताया था। तो व्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएगा ऊपर में, एक क्रेडिट प्रोफाइल और एक एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे स्टेटस आपको चेक हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फ्लो, पहला जो एप्लीकेशन फी पेड है, उसके बाद एडमिशन कन्फर्म बाय यूनिवर्सिटी है, 24 जुलाई में जो है एडमिशन कन्फर्म हो चुका है यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसके बाद एडमिशन कन्फर्म बाय कॉलेज, 25 जुलाई की डेट में जो है कॉलेज के द्वारा कन्फर्म हो चुका है। अब यहाँ पे एडमिशन फी नॉट पेड, मतलब यानी कि एडमिशन फी इन्होंने अभी पेड नहीं किया है। तो ये है स्टेटस, इसी तरह चेक करेंगे। अगर आपका कॉलेज पेंडिंग है, आपको कॉलेज जाना है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है या फिर डायरेक्ट करेगा, वो आपको पता करना अपने कॉलेज के द्वारा। उसके बाद अगर एडमिशन कंफर्म यूनिवर्सिटी कंफर्म नहीं हुआ है तो आपका जो कल तक, आज या कल तक में जो आपका जो यूनिवर्सिटी भी कंफर्म हो जाएगा। तो आप एडमिशन पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट का सेक्शन मिलेगा साइड में। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट का सेक्शन में जाएंगे, ऐसा ऑप्शन मिलेगा। दो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको, फी पे फी और पेमेंट स्लिप। तो पे फी पे क्लिक करना है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे फी पे क्लिक करना है। उसके बाद मॉडल नेम आएगा, यहाँ पे पहले से ऑटोमेटिक यहाँ पे डिफॉल्ट में आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट रहेगा, इस पे क्लिक करके आपको एडमिशन सेलेक्ट करना है। एडमिशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ गेट डिटेल का ऑप्शन दिखेगा साइड में, गेट डिटेल पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे नीचे यहाँ पे डिटेल आपका रहेगा सारा डिटेल, और यहाँ पे और नीचे आपका रहेगा क्लिक टू व्यू एडमिशन फी डिटेल, यानी कि यहाँ से क्लिक करके आप एडमिशन फी डिटेल चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज में आपको कितना फी लिया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब नाम है, इसका कितना फी लिया जा रहा है, ये सब दिया हुआ है, सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे करेंगे तो यहाँ पे टोटल दिखेगा आपको, जैसे कि यहाँ पे इस कॉलेज का टोटल फी जो है 1600 दिया हुआ है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो ये कि यहाँ पे 1600 रुपया फी दिया हुआ है। तो इसी तरह से आप अपना पहले क्लिक व्यू व्यू एडमिशन फी डिटेल पे क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल दिख जाएगा कितना आपका फी कटने वाला है, तो उसको यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद फी पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे क्लिक करेंगे, एक यहाँ पे कंफर्मेशन आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है।
उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक पे यू और एक ई पे एस बी आई। तो दोनों में से किसी एक में सेलेक्ट कर सकते हैं। पे यू से भी अच्छा खासा पेमेंट होता है, यहाँ पे पेमेंट जल्दी फंसता नहीं है। तो दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ये पेमेंट गेटवे यहाँ पे आ जाएगा, HDFC का गेटवे है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे पे विथ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे कभी कई सारे ऑप्शन है, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, HDFC बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, स्कैन एंड पे, ये सारा ऑप्शन है। इसमें से किसी एक से आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो चलिए यहाँ पे किसी एक से पेमेंट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा, अदर इस पर क्लिक करेंगे, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आपसे मांगा जाएगा, क्रेडिट कार्ड नंबर, उसके बाद एक्सपायरी डेट, मंथ, उसके बाद CVV, उसके बाद कार्ड में नाम, और यहाँ पे आपको जो है एक यहाँ पे आपको आई एम नॉट रिबूट करके आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। कर देंगे अब कोई भी मेथड से, तो यहाँ पे आपको जो है थैंक यू पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे मैंने पेमेंट कर दिया तो मेरा भी इस तरह से आएगा, इसी तरह से आपका भी आएगा। अगर आपका इन केस पेमेंट फेल हो जाता है तो आपको जो है परेशान नहीं है, दोबारा पेमेंट फिलहाल नहीं करना है। वहाँ पे जो है आपका ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपको मेल करना पड़ेगा, जो चांसलर पोर्टल में ही आप वहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर या फिर जो मेल आईडी मिलेगा उसी पे मेल वगैरह करना है, तो आपका जो उस वहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा। और फिर भी नहीं होता तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज करेंगे, वहाँ पे मैं आप लोग को सोल्यूशन के लिए बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे गो टू पेमेंट रिसीप्ट क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे आपको जो लॉग आउट कर दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे लॉग आउट कर दिया जाता है। तो अगर लॉग आउट कर दिया जाए तो आपको फिर से जो यहाँ पे आईडी पासवर्ड से आपको जो है लॉग इन करना पड़ेगा। तो जैसे देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे लॉग आउट कर दिया गया, तो फिर से यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉग इन करते हैं। तो फिर से आप लॉग इन करेंगे, उसके बाद आपको फिर से पेमेंट सेक्शन में जाना है, जैसे कि पहले मैंने बताया था उसी तरह। पेमेंट सेक्शन के बाद इस बार पहले पे फी में गए थे, इस बार आपको पेमेंट हिस्ट्री में जाना है। जैसे पेमेंट हिस्ट्री में जाने के बाद जो आपने एडमिशन पेमेंट किया वो भी दिखेगा। तो यहाँ यहीं से आपको जो है पेमेंट स्लिप आपको मिल जाएगा। जैसे पेमेंट स्लिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट स्लिप दिखेगा। ये पेमेंट स्लिप है, ये ट्रांजेक्शन स्लिप बोलते हैं, इसको भी कई सारे कॉलेजों में जो है मैंडेटरी से लिया जाता है, तो इसको भी आपको प्रिंट कर लेना है और अपने जो डॉक्यूमेंट के साथ लगा देना है। उसके बाद फिर एक आता है एडमिशन रिसीप्ट, इसको भी आपको प्रिंट कर लेना है, और ये भी जो है कॉलेजों में जो लगता है इसको भी आपको जो यहाँ से प्रिंट कर लेना है, प्रिंट एडमिशन रिसीप्ट। इसे करके आपको जो है या तो PDF में सेव कर लेना है या फिर प्रिंट कर लेना है, अगर आपके पास प्रिंट की सुविधा है तो, या तो इसको PDF में सेव कर लेंगे और कहीं कहीं भी जहाँ पे प्रिंटर की सुविधा हो वहाँ से जाके आप इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो आपको एडमिशन पेमेंट करने का, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आपको जो पेमेंट करना है मैंने लाइव आप लोग को दिखा दिया एडमिशन पेमेंट का। अब आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा एडमिशन पेमेंट के रिगार्डिंग, इसी तरह से आपको करना है। और पेमेंट जो करेंगे तो पेमेंट जो आपको सावधानी से करना है। अगर आप UPI वगैरह यूज कर रहे हैं तो सेम मोबाइल से नहीं करना है, क्योंकि बैक वगैरह रिफ्रेश वगैरह हो जाता है तो पेमेंट जो है फंस जाता है। तो अगर आप UPI वगैरह से कर रहे हैं तो अदर मोबाइल से फॉर्म भरें, अदर मोबाइल से पेमेंट करें, इस तरह से आप कर सकते हैं, तो आपको पेमेंट का कहीं भी इशू नहीं आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक करेंगे, अपने स्वयं फ्रेंड को शेयर करेंगे, और जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा उसको मस्ट ज्वाइन कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं फिर दोस्तों किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत